ग्वालियर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने 27 अक्टूबर तक धारा 144 लगाई, धरना प्रदर्शन जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगाए। 16 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है। 24 अक्टूबर दीपावली का त्यौहार है, शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से प्रतिबंध जो है वो लगाया गया है, धारा 144 लागू कर दी गई है। 16 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है और 24 अक्टूबर को आपको बता दें दीपावली का त्यौहार है, इसके मद्देनजर कोई अप्रिय घटना ना हो इस वजह से ये प्रतिबंध जो है वो लगा दिया गया है। शांति व्यवस्था ठीक से रहे इस उद्देश्य से प्रतिबंध जो है वो लगाया गया। तो बड़ी खबर आपको बता दें, ग्वालियर से जहां पर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने 27 अक्टूबर तक लगाई 144 धारा। जावेद खान ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए। जावेद, क्या जानकारी मिल रही, कब तक के लिए प्रतिबंध जो है वो लगेगा और किस तरह से लोग जो है वो खरीदारी कर पाएंगे, क्योंकि आगामी दिनों में त्योहार भी है। जी बिल्कुल, ग्वालियर में चूंकि 16 तारीख को यानी परसों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं, उसको लेकर एक विशेष प्रबंध किए गए, पूरा जिला प्रशासन उसकी तैयारियों में जुटा हुआ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद कैबिनेट की दो बार भोपाल में समीक्षा बैठक कर चुके हैं और जो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को निर्देश दे चुके हैं, जिसमें कि एक सेंसिटिव मुद्दा माना जा रहा है। गृह मंत्री की यात्रा को बड़ा जिला प्रशासन चैलेंज के रूप में ले रहा है। 16 अक्टूबर को यहाँ पर जो एयरपोर्ट का विस्तार कार्यक्रम है उसका शिलान्यास करने के लिए गृह मंत्री आ रहे हैं। 1 लाख लोगों की भीड़ खुद ही जिला प्रशासन के सहयोग से सरकार जुटा रही है और इसमें अमित शाह जी आएंगे और उसके साथ साथ जो कि रैली जुलूस और प्रतिबंध किए गए हैं, जो कलेक्टर ने जो आदेश जारी किए हैं कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने, जिसमें कि धरना जुलूस और रैली इस तरीके के आयोजन नहीं हो सकेंगे। धार्मिक कार्यक्रमों पर कोई प्रत्यक्ष रूप से प्रतिबंध नहीं है, लेकिन रैली जुलूस और धरने नहीं निकलेंगे ताकि कोई भी राजनीतिक दल किसी तरीके का रैली करके व्यवधान नहीं कर सके, यातायात को जाम नहीं कर सके। 24 तारीख को जो अक्टूबर को दीपावली का त्यौहार है उसको मद्देनजर रखते हुए भी ये सब प्रतिबंध किया गया है। उसके बाद 27 अक्टूबर तक ये धारा 144 यहाँ लगी रहेगी ताकि जो वीआईपी मूवमेंट है और उसके साथ जो त्योहार है उसको भी शांतिपूर्वक हो सके और कोई भी किसी तरह का व्यवधान नहीं आए। तो बिल्कुल, धरना रैली जुलूस पर फिलहाल पाबंदी रहेगी, 27 अक्टूबर तक 144 धारा लागू रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद तमाम जानकारी के लिए। तो कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने 27 अक्टूबर तक धारा 144 लागू कर दी है।